देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में प्राइम फैक्टर ख़त्म कर दिए। अब दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एसएससी और एवरी के लिए बहुत बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई, और डिजिट मतलब अंक होता है। ये सबको पता होगा, 2, 7, 5, 6 में इकाई अंक कौन है? 6 है, इसको इकाई अंक बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो इकाई अंक कौन हो गया? 6 हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, पॉइंट्स लिखिएगा। 5 से किसी सम संख्या से गुना करने पर, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। इकाई अंक 0 आए इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा। 5 से अगर किसी सम संख्या से गुना करेंगे 5 से, तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। जैसे देखिएगा, सम संख्या बोला है तो 5 × 0, 0 भी सम संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 0। 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब देखिए, 4 सम संख्या है तो 5 × 20, इकाई अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, 81 × 82 × 83 × …91 इकाई अंक क्या होगा? देखिएगा, 81, 82, 83, तो इकाई अंक 2 है। 83 के बाद 85 भी तो आएगा, यहाँ समझिएगा। 83 है डॉट डॉट, यानी कि इसके आगे 83 के बाद 84 आएगा, 85 आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप देखिएगा, लिखना नहीं है कि 82, 83 ऐसे लिखना है। देखिएगा, 83 है डॉट 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 91 तक है, तो 85 भी तो आएगा। तो इकाई अंक 5 है और यहाँ पे देखिए 2 है। तो हम क्या बताएं आपको, 5 से किसी सम संख्या, यानी कि 5 यहाँ आएगा और सम संख्या यहाँ, इकाई अंक देखना है, यहाँ सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। इसका इकाई अंक 0 आएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। देखिए, सभी सम संख्या का इकाई अंक 0 होगा। देखिए, सभी सम संख्या, तो सम संख्या क्या, कौन कौन है? 2 × 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सम संख्या है। देखिए, 4 × 8, 8 × 48, और 48 को 10 से गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा। तो इकाई अंक मेरा क्या आ गया? 0 आ गया। तो सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, सभी प्रकृत संख्या के गुणनफल, सभी प्रकृत संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। देखिए, सभी प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती करने की संख्या को। तो कहाँ से करते हैं? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, 5 भी आया, 2 भी आया, पहले ही कॉन्सेप्ट में बताए थे। 5 को अगर किसी सम संख्या से गुना करने पे तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। ये भी पॉइंट बनता, सभी प्रकृत संख्या के गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट
सभी सभी विषम संख्या सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक पाँच होगा। एक एग्जांपल से समझिएगा, सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक पाँच होगा। अब विषम संख्या कौन कौन है? एक है, तीन है, पाँच है, सात है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। देखिए अब गुना कीजिएगा, तीन गुने एक तीन, तीन गुने पाँच पंद्रह, पाँच गुने सात कितना आ गया? एक सौ पाँच आ गया। इकाई अंक मेरा क्या आ गया? पाँच। तो सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक पाँच होगा, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। अगला पॉइंट देखिएगा, सभी अभाज्य संख्या सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक जीरो होगा। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? जीरो होगा। अब अभाज्य संख्या टू से स्टार्ट होगा, टू इंटू थ्री इंटू पाँच। अब देखिए हम पहला ही पॉइंट बताए थे, पाँच को अगर किसी सम संख्या, ये सम संख्या भी है अभाज्य संख्या भी है, तो पाँच दुनी दस करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। पाँच गुने दस गुने तीस हमेशा जीरो ही आएगा, तो इकाई अंक क्या आएगा? जीरो आएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, सभी विषम अभाज्य सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल गुणनफल का इकाई अंक पाँच होगा। विषम अभाज्य देखिए, ये अभाज्य था तो अभाज्य में दो भी आता है, लेकिन विषम अभाज्य में दो नहीं आता है, तीन से स्टार्ट होगा, तीन इंटू पाँच इंटू सात। तो देखिएगा इसको गुना कीजिएगा, पंत यही पंद्रह 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 इंटू साठ एक सौ पाँच, दिखाइए मेरा क्या आया? पाँच आया। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, नोट्स में अच्छे से लिखिएगा। अब एक नोट करके लिखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नोट करके लिखिएगा, जिसके अंत में जीरो रहे, एक रहे, पाँच रहे, छः रहे रहे तो इसका इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। देखिए नोट में लिखिएगा, जिसके अंत में जीरो एक पाँच छः रहे तो इसका इकाई अंक में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जीरो एक पाँच छः कोई भी संख्या के लास्ट में अंत में लास्ट में जीरो रहे या एक रहे या पाँच रहे या छः रहे तो इसका इकाई अंक वही हो जाएगा, यानी कि नो चेंज। एक क्वेश्चन देखिएगा इस पे, एक सौ पैंतीस के पावर एक सौ उनहत्तर। देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, लेकिन ये ट्रिक है, जीरो एक पाँच छः याद रखिएगा इसको, जीरो एक पाँच छः अगर अंत में किसी भी संख्या के अंत में जीरो रहे या एक रहे या पाँच रहे या छः रहे तो इसका इकाई अंक में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखिए इसका इकाई अंक पाँच है, हमको पावर नहीं देखना, हमको लास्ट वाला देखना, अगर जीरो है या एक है या पाँच है तो इसका इकाई अंक वही लिखा जाएगा, इसका पाँच है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक पाँच ही रहेगा। ये सब क्वेश्चन दे देता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन देखने के साथ ही ट्रिक अगर याद रहेगा आराम से टिक करके बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
876 पे पावर 1469। तुमको पावर से नहीं देखना, हमको देखना लास्ट डिजिट। क्या देखना है? लास्ट डिजिट। देखिए लास्ट डिजिट मेरा क्या है, 6 है, तो 6 है तो इसका इकाई अंक में कोई चेंज नहीं, 6 होगा। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे रहता है, ये याद रखिएगा 0, 1, 5, 6। अगर ये चारों है लास्ट में, चारों में से कोई एक है तो वही लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा, 0 वाला 40, 0, 50, 0 का पावर 3, 6, 7, 8, 9। देखिएगा हमको लास्ट में देखना है 0 है कि नहीं, 0, 1, 5, 6 है तो 0 मिल रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक मेरा 0 ही होगा। ये समझ में आया? अब देखिएगा अगर इसके अलावा, ये चारों के अलावा कोई और संख्या हो, मतलब लास्ट में कोई और संख्या हो, जैसे एग्जांपल देखिएगा 198 पे पावर 936, इसका इकाई अंक पूछेगा, इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए मेरा लास्ट में क्या है, 0, 1, 5, 6 नहीं है, इसको करना पड़ेगा। और कैसे करना, इसका भी एक ट्रिक है, हमको गुना गुना नहीं करना है, हमको सिर्फ जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड कर देंगे, 4 से। हमको रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कितना आ रहा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8, 2 बार में 8 एक बचा, फिर 13 हुआ, फिर 4 × 3 = 12 तो एक बचा, 12 में 13 गया एक बचा, फिर 16, 4 × 6 = 16, यानी कि रिमाइंडर में कितना आ रहा, 0 आ रहा। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आए, अगर पूरा पूरी कट जाए, देखिए अगर कोई भी, अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई भी संख्या हो तो उसके पावर में 4 से हमको भाग दे देना है। क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, देखिए हम डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पे भाग दे के देखते हैं, 4 भागा 9, 3, 6, तो 4 × 2 = 8 करेंगे, 1 बार में 13, 4 × 3 = 12 करेंगे, 1, फिर 6 आ जाएगा, 4 × 6 = 16, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना आया, ये 0 आया ना, रिमाइंडर मेरा 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो हमको इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक पहले यहाँ लिखेंगे, सिर्फ इकाई अंक से काम करेंगे, मेरा इकाई अंक क्या है 8, तो अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो 8 पे पावर 4 कर देंगे, 8 पे पावर 4 कर देंगे, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 × 8 × 8 × 8, यानी कि 8 × 4 = 12, तो 8 × 8 = 64, 64 × 8 कितना हो गया, 8 × 6 = 32, 6 × 8 = 48, 49 × 50 = 51, 512 आ गया, 512, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512, 512, और 512 में अगर 8 से गुना करेंगे, 8 × 2 = 16, 6 × 1 = 8, 1 = 9, 8 × 5 = 40, यानी कि 40, 96, यानी इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये है एक क्वेश्चन और इस पर है, 198 की पावर 9361। अब देखिए क्वेश्चन में 1 सिर्फ ऐड कर दिए, देखिए मेरा 0, 1, 5, 6 नहीं मैच कर रहा, 4 से भागा दे देंगे, 4 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 4 से भागा देंगे तो 4 × 2 = 8, 1 बचा इसमें, 4 × 2 = 8 करेंगे तो 9 है, 1 बचा 13 आ गया, यहाँ पे 4 × 3 = 12, फिर 13 है तो 1 बचा, फिर 16 आ गया, 4 × 6 = 16, और 1 नहीं कटेगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा, रिमाइंडर मेरा 1 बच रहा, शेष जिसको बोलते हैं हिंदी में, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इकाई अंक को लेंगे, इकाई अंक से काम है चुकी हमको, और जो रिमाइंडर बचा उसका पावर कर देंगे, तो 8 की पावर 8, तो इकाई अंक 8 ही आएगा। कितना ईजी है, कितना ईजी हो जाता है ट्रिक से, कितना ईजी हो जाता है, 4 से डिवाइड कर देना, अगर रिमाइंडर 1 आए तो इकाई अंक उठाकर उसका पावर कर देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस पर पावर 4 कर देंगे। इस वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो में आगे बताएंगे।